आप सब। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है ओम फूडी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके आया हूँ और अभी सुबह का नाश्ता फल फ्रूट करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग रानी। तो ये रानी देखिए, नहा के मुंह धोती है। अरे तो नहा के मुंह धोती है रे, भूल गई क्या? तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह देखिए भिंडी का सब्जी बन रहा है किचन में, और इधर फ्रूट कटाया है एकदम मस्त पपीता का। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी पूजा कर रही है, जल चढ़ा रही है। और ये रहा मेरा प्लेट। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सुबह का नाश्ता फल वाला प्लेट, देखिए मस्त। तो चलिए नाश्ता करते हैं सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है। सुबह सुबह उठ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेट लॉस करना है, फल फ्रूट खाना है, तेल वाला सामान कम खाना है। देखते हैं कितना दिन तक कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश रहेगा कि करूँ, मतलब रेगुलर कंटिन्यू रखूँ। तो चलिए फ्रूट को खाते, एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा फ्रूट मेरा, चलिए पपीता खाते हैं सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, दो तीन दिन से रूटीन चेंज हुआ है मेरा। सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तेल का सामान बंद किया हूँ थोड़ा, और फल फ्रूट खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं कितना दिन तक कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश है कि अब वेट लॉस करना है। चलिए। वैसे चैनल है फूड ब्लॉग, लेकिन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बेसन। अभी नहाने जा रहा हूँ, उससे पहले फेस में थोड़ा सा लगा लिया जाए, फेस साफ कर लिया जाए। वैसे भी काला तो हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा साफ करूँगा तो अच्छा रहेगा। वीडियो देखने वाले मजाक मत उड़ाना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, और उससे पहले बेसन लगा रहा हूँ। बेसन मध दही और पपीता का मिक्स है ये, तो आप फेस क्लीन रहेगा नेचुरल। लग चुका है, इसमें बेसन दही मध और गुलाब जल यूज किया है मैंने, और लगाया है फेस पर। थोड़ा सा फेस साफ होगा इससे। रेगुलर कंटिन्यू आप अगर एक दो मंथ यूज करते हो तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है इससे, अगर आप रेगुलर रह पाते हो तो। चलो, मैं कल भी लगाता हूँ, रेगुलर नहीं रह पाता, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रेगुलर रखूँ इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम 10 मिनट सूखने देंगे और उसके बाद वॉश कर लेंगे और नहा लेंगे। मम्मी पूजा कर रही है नहाकर। फ्रेंड्स, मम्मी भी कर रही है पपीता और ड्राई फ्रूट का नाश्ता। पूजा पाठ हो गया, मम्मी का नाश्ता कर रही है। तो चलो मम्मी, हम भी जा रहे हैं नहाने। तो फ्रेंड्स, ये लगभग मेरा सूख चुका है, अब मैं इसे वॉश कर लूंगा, धो लूंगा और नहा लूंगा। तो चलिए नहा कर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, अभी नहा कर रेडी हो चुका हूँ और एकदम फेस साफ कर लिया हूँ। क्या देख रहे हो, एक दिन में ग्लो आएगा? एक दिन में ग्लो थोड़े आता है फ्रेंड्स, कंटिन्यू 1 से 2 महीना करना पड़ेगा। तो चलो, आज का नहाने तक का रूटीन हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, उसके बाद दोपहर का लंच पर मिलते हैं। ओके, दोपहर के 1 बज चुके हैं और लंच कर लिया जाए। इसमें है देखिए, भिंडी बना है, भिंडी। तो दोस्तों, 1 बज चुका है और लंच का टाइम हो चुका है, तो चलिए लंच कर लिया जाए। और ये भिंडी बनाए आज तो हमारे किचन में, और ये मैं तेल गरम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये आलू का चिप्स छानूंगा जो कि मैं नानी घर से लाया हूँ, और इसमें है चावल, और यहाँ है फिर दाल। ये है दाल रहा, थोड़ा सा मूली काट लिया है हमने। तो चलिए, तेल गरम होता है, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, साथ में खाएंगे। तो दोस्तों, ये है चिप्स आलू के, जो कि लाए हैं हम औरंगाबाद से, नानी यहाँ से। तो ये डब्बा भर के आया है, फ्राई करते हैं।
चलिए डब्बे को बंद करते हैं और इसे रखते हैं जगह पर यहाँ। और ये हमने चिप्स फ्राई कर लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा लंच का थाली, दाल चावल भिंडी मूली और चिप्स। तो चलिए टेबल पर ले चलते हैं अपना थाली। तो फ्रेंड्स आप सब भी लंच कर लीजिए अगर दोपहर में वीडियो देख रहे हैं तो। और ये रहा सप्लीमेंट्री प्लेट हमारा। और ये हमारा पानी का बोतल। तो दोस्तों कर रहे हैं हम लंच, दोपहर का लंच करेंगे। एक बज चुका है और हमारा मील ये रहा, आपने देखा, दाल राइस के साथ। और आप भी दोपहर का लंच कर लीजिए अगर दोपहर में ये वीडियो देख रहे हैं तो। और चैनल में नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। होम फूडी ब्लॉग में लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, फूड ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं दोपहर का लंच। दाल चावल तो फ्रेंड्स इंडियंस का दाल चावल बेसिक है, दाल चावल हर घर में दाल बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स हम करते हैं लंच, और लंच मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे बिना नहीं हो पाता है। तो फिलहाल अभी मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसी मोबाइल पर लगाऊंगा और ऐसे ही बैठ कर लंच करूंगा और देखूंगा। तो मिलते हैं आपसे लंच के बाद, ओके। और चैनल बनाया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं ड्राइविंग सीखने अपने गाड़ी से, और ये रहे हमारे सकीब जी ले जा रहे हैं हमको सिखाने, मस्त। तो अभी शाम हो चुका है तो मम्मी ने ऑर्डर दे दिया है तो निकल गए हम गाड़ी लेकर, अभी ट्रैफिक में है। तो एक से डेढ़ घंटा फ्रेंड्स सीखेंगे गाड़ी, एक दो दिन से मैं सीख रहा हूँ। जब भी गाड़ी खिलाड़ी से पापा लेकर आ रहे हैं तो सकीब जी हमको सिखा रहे हैं, ड्राइविंग सिखा रहे हैं, तो अच्छा है ड्राइविंग सीख लेंगे तो मेरे लिए। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। ये देखिए हमारे आशीष जी गाड़ी चला रहे हैं पूरे अपने कंट्रोल में। तो फ्रेंड्स गाड़ी सीख रहा हूँ और काफी रिस्की काम है सीखना, पर सीख के रहूंगा। सफीक जी अच्छा सिखा रहे हैं। ये देखिए रोड है, फोर लाइन। दोस्तों गाड़ी सीखना लगभग हो चुका है, अब हम घर लौटेंगे। अरे हाईवे पर हम खड़े हैं तो यहाँ से अभी घर जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, अंधेरा में अभी नहीं चलाऊंगा गाड़ी। और चलिए घर पर चलते हैं तो आगे मिलते हैं आपसे। तो जिस तरह का हाईवे है, हाईवे पर गाड़ी सीख रहे थे फ्रेंड्स। मस्त जगह लेकिन रुके खाने के लिए, लेट हुआ लेकिन मस्त जगह रुके हैं।
तो दोस्तों हम जब गाड़ी सीख रहे थे शाम हो चुका था और कुछ हल्का नाश्ता करने का मन कर दिया, तो हमने ये देखे पकौड़े हरी मिर्च एकदम गरम गरम तल रहे थे हाईवे के किनारे, तो मंगाया है, काफ़ी टेस्टी है ये। अभी हम घर पर आ चुके हैं फ्रेंड्स और काफ़ी गर्मी है, थोड़ा सा ठंडा पी लिया जाए और माजा पीने वाले हैं हम। काफ़ी बाहर गर्मी थी तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए माजा पीते हैं। चलिए बोतल को रख दिया जाए फ्रिज में और माजा एंजॉय किया जाए। वाह मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए मम्मी काट रही है आम और इसका बनेगा गुड़ामा, मीठा वाला गुड़ामा ना मम्मी। हाँ गुड़ामा मीठा ही रहता है। मिर्चा भी डलाता है उसमें, पता नहीं तुमको। बहुत सारा पक गया मम्मी, कच्चा रहता है तब ना अच्छा बनता है। ये रहा गुड़ामा का प्रिपरेशन हो रहा है फ्रेंड्स किचन में, मम्मी कर रही है। ये रहा आम कटा हुआ आम। तो बनेगा इसका मीठा गुड़ामा, रोटी वोटी के साथ खाने में मजा आता है ना मम्मी। सुबह से बहुत गर्मी थी, अभी थोड़ा हवा चल रहा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसमें देखिए शक्कर और गुड़ का मिश्रण डाला हुआ है और ये है गुड़ामा रेडी हमारा। देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। और ये हमारा रात का डिनर का थाली, रोटी हलवा है और मूली सब्जी है गिलकी आलू की, गुड़ामा साथ में। तो फ्रेंड्स हम नाइट का डिनर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।